आज जो हमारा आबादी के अनुसार यानी जो जनगणना हुआ उसके अनुसार हम कोटा को बढ़ाना चाहते हैं, यानी 18% कोटा है, इसको 25% कोटा चाहते हैं। और देश में भी केंद्र स्तर पर भी अति पिछड़ा आयोग का गठन हो, अति पिछड़ा समाज अब आगे निकलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ RJD के विधायक रणविजय साहू जी हैं। क्या कुछ मांग है, फिर से आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं? सबसे पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के तरफ से बधाई या साधुवाद देते हैं कि बिहार में उन्होंने साहसिक कदम उठाने का काम किया। अति पिछड़ा समाज की जितनी बड़ी आबादी है और जो जनगणना हुआ है, इससे तमाम अति पिछड़ा समाज में खुशी की लहर है। और जो हम लोग बोलते थे, जो हम लोग कहते थे कि हमारी आबादी इतनी है, हमारी हकमारी हो रही है, अब तो निश्चित रूप से कंप्यूटर पर दिखेगा, आंकड़ा दिखेगा। तो आज जो हमारा आबादी के अनुसार यानी जो जनगणना हुआ उसके अनुसार हम कोटा को बढ़ाना चाहते हैं, यानी 18% कोटा है, इसको 25% कोटा चाहिए। और देश में भी केंद्र स्तर पर भी अति पिछड़ा आयोग का गठन हो, जिस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस बिहार में जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो खेत में खलिहान में गांव में रहते थे, समाज के अंतिम पैदान पर रहते थे, उनको विकास के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से केंद्र में भी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो। और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो जननायक, और उनके लिए विधानसभा से भी कई बार प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने का काम नहीं किया। यानी जननायक साहब का सम्मान आज भी अधूरा है इस बिहार के लिए, इस देश के लिए। गुदड़ी के लाल, झोपड़ी के लाल, वो निकल के बिहार को विकास किए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो हम आज के मंच के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाए, उनको सम्मानित किया जाए। और 29 तारीख को पटना के विद्यापति भवन में हम लोग ने एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा है, बिहार भर के बुद्धिजीवी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बुला के हम जो विचार है जननायक कर्पूरी साहब का, उनको विचारों से लैस करना चाहते हैं। और विचार से लैस करके हम निश्चित तौर पे जो हमारी मांग है, जो मेरा अधिकार है, उसको हम लोग हासिल करना चाहते हैं। क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के साथ सौतेलापन कर रहे हैं लगातार? माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ बोलते हैं और बिहार के लिए लगातार सौतेला व्यवहार का काम कर रहे हैं। आप ने देखा, आरा में उन्होंने कहा कि मैं विशेष पैकेज दे दूं, विशेष राज का घोषणा कर दूं, कितने लाख करोड़ दे दूं, पूरे देश ने, दुनिया ने देखने का काम किया। तो हमें लगता है लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और जननायक साहब को सम्मान नहीं मिला है। इसलिए तमाम अति पिछड़ा समाज के लोग हम लोग एकजुट हुए हैं और यह मांग को हम लोग सड़क पर भी लेके जाएंगे। ये थे हमारे साथ रणविजय साहू जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात रखी और कहा है कि अपनी अति पिछड़ा समाज की बात को वो जब पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो सर को पाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी अमित के साथ मैंने कहा।